पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। इसी कड़ी में आज वार्ड 29 में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता रहे। विशिष्ट अतिथि भाजपा पार्षद प्रत्याशी राहुल देव वरुण रहे। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना, साथ ही भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि चरे बेती यानी चलते रहो की बात कही। उन्होंने कहा कि आज हम इसी चरे बेती की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। हर एपिसोड में देशवासियों की सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। तो वहीं वार्ड 29 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी राहुल देव वरुण ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होता है, असंभव को भी संभव करने में सक्षम रहता है। आज आदरणीय श्री देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां संस्करण आज प्रसारित किया जा रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक पल हम हिंदुस्तानियों के लिए हैं कि देश ही नहीं पूरे विश्व में आज मन की बात का कार्यक्रम सुना जा रहा है। और इस मन की बात के कार्यक्रम से सीधे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री से जुड़ी है और बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में और विदेशों में आयोजित किया गया। आज मन की बात मोदी जी द्वारा 100वां संस्करण शुरू हुआ है आज, और इसमें जो है माननीय नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं हम लोगों के बीच में, और क्षेत्र की सारी जनता है। काफ़ी अच्छा माहौल है और सभी लोग जो है प्रेम पूर्वक मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे हैं। क्या विशेष रहा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने? स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में, मणिपुर से लेकर मेघालय तक लोटस की स्टेम जो होती है वो कितनी यूज़फुल होती है और हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं आगे भी चल के इसको, तो वो सब छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत यूज़फुल हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, उसी के बारे में आज बात हो रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।